हेलो एवरीवन। सो दोस्तों, भारत देश जिस पे हमें गर्व है, गर्व होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि हमारी जो विशालकाय ज्योग्राफी है और उस ज्योग्राफी में जो डाइवर्सिटी है, जहाँ पे कश्मीर से लेके कन्याकुमारी जिसमें कि बहुत सारी क्रॉप्स ग्रो हो सकती हैं, और न सिर्फ वो ग्रो हो सकती हैं बल्कि ग्लोबली हम फर्स्ट या फिर सेकेंड पोजिशन पे स्टैंड भी करते हैं इसी प्रोडक्शन के चलते। अपनी आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं जो थर्ड एडवांस एस्टिमेट फूड ग्रेन प्रोडक्शन का आया हुआ है, उसको समझेंगे, जानेंगे इसका महत्व क्या है, कैसे ये एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट है, किस किस एग्जामिनेशन में आपको इससे क्वेश्चन दिख सकते हैं, और उससे बड़ी बात कि आपको कैसे इसको याद रखना है। सबसे बड़ा कंस्टेंट हमारे साथ यही होता है। थर्ड एडवांस एस्टिमेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ मेजर क्रॉप रिलीज बाय श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी, जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर एग्रीकल्चर हैं। फूड ग्रेन प्रोडक्शन है जो फॉर द ईयर 2022 एंड 23 के लिए 3305.34 लाख टन। अगर आपको पता हो जो फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट या उससे पहले जितने भी एडवांस एस्टिमेट आते थे वो मिलियन टन्स में आते थे, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है कि इतना ज्यादा कैसे इंक्रीज हो गया अगर आप पिछले साल के उसको मिलियन टन्स में पढ़ रहे हैं। तो हमेशा ये देख लीजिएगा कि आप मिलियन टन्स में पढ़ रहे हैं कि लैक टन्स में। लैक टन्स में ये 3305.34 लैक टन है, मिलियन टन में आप करेंगे तो 330 मिलियन टन ये फूड ग्रेन प्रोडक्शन है। ये इस टाइप से पीआईबी में आता है क्वेश्चन। AFO नाबार्ड के एग्जामिनेशन में बहुत डायरेक्टली पूछा जाता है कि हमारा फूड ग्रेन प्रोडक्शन क्या है, कितना हम उगा पा रहे हैं। सिंपल सी चीज है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन ये इंपॉर्टेंट होता है। पल्स प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, ऑयल सीड प्रोडक्शन इंपॉर्टेंट है, कॉटन, शुगर केन, जूट एंड मेस्टा, एक टाइप से आप देख सकते हैं कि पीआईबी ने जिनको हाईलाइट किया हुआ है वो इंपॉर्टेंट है। पिछले जो एग्जामिनेशन हुए हैं नाबार्ड के, AFO के, या फिर किसी भी एग्रीकल्चर एग्जामिनेशन में ये पूछे गए हैं। अब थोड़ा डिफिकल्टी लेवल ऊपर में आते हैं, जैसे कि आपने कल भी देखा यूपीएससी का एग्जामिनेशन था, उसमें एग्रीकल्चर से क्वेश्चन थे, रिलेटिवली एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए वो इजी थे, बट आप उनकी कंडीशन समझिए कि जिन्होंने एग्रीकल्चर ग्रेजुएशन नहीं किया है, सो उनके लिए डेफिनेटली डिफिकल्ट ही थे। अब नाबार्ड ग्रेड भी, जो कि थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का एग्जामिनेशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस 3 ईयर का एक्सपीरियंस भी चाहिए उसको करने के लिए, उसमें क्वेश्चन इस टाइप से आते हैं। एज पर द थर्ड एडवांस एस्टिमेट फॉर 2022 एंड 23, जो टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन है हमारी कंट्री का, वो इतना है रिकॉर्ड। रिकॉर्ड मतलब फर्स्ट टाइम हमने इतना अचीव किया है। ये कितना हायर है, इट इज विच इज हायर बाई 149.18 LMT एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर 2021 एंड 22। तो जनरली इस टाइप के कंपेरिजन के क्वेश्चन भी आते हैं, ये थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल हम हाई मान सकते हैं। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया कि पीआईबी में कैसे ये दिया रहता है और किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपकी सुविधा के लिए हमने ये टेबल बनाया है जो अपने हम अपने कोर्स नोट्स में प्रोवाइड करते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे 2019-20 का है ये, 2020-21-22, और ये अभी जो प्रेजेंट में आया है थर्ड एडवांस एस्टिमेट 22-23 का। राइस का प्रोडक्शन आज देखिए 135.54 मिलियन टन है, अगेन ये एक रिकॉर्ड प्रोडक्शन है। व्हीट का प्रोडक्शन 112.74, ये अभी अच्छा प्रोडक्शन है। लास्ट ईयर क्या हुआ था आप सभी को पता है, थर्ड एडवांस एस्टिमेट में हमारा व्हीट का प्रोडक्शन बहुत कम हो गया था, उसका रीजन हीट वेव वगैरह थी। अभी उसका इंपैक्ट उतना इस बार देखने को नहीं मिला है, तो हम ये समझ सकते हैं कि वीट के लिए इस बार कंडीशंस अच्छी रहेंगी। उसके अलावा इसे बाकी सारी चीजें हैं, पल्सेस का आपको ध्यान रखना है 27.50, ऑयल सीड्स का 40.99, कॉटन का 34, और टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन 330.50 मिलियन टन। ये अभी हमने मिलियन टन में लिखा है क्योंकि इससे पहले के मिलियन टन में थे, नेक्स्ट ईयर से हम भी लैक टन्स में लिखेंगे सो दैट कि आपको कंपैरिजन इजी हो जाए। अभी इसमें देखने की क्या है सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि याद कैसे करें, भूल जाते हैं, भूल कैसे जाते हैं, क्योंकि हमको डाउट हो जाता है और बार बार सिर्फ यही थोड़ी है याद करने के लिए। तो एक तो फूड ग्रेन प्रोडक्शन आपको याद रखना है, देखिए कुछ याद रहे ना रहे कम से कम उसकी रेंज याद रहनी चाहिए। तो हम 330 मतलब 330 मिलियन टन हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो आपको ये याद रखना है कि 300 की रेंज में और वो 330 है। देन जो वीट सबसे ज्यादा हमारा प्रोडक्शन किसमें होता है, पैडी में, और उसकी रेंज क्या है 135। देन जो वीट है उसकी रेंज क्या है 110 से 120, इस टाइप से आप याद रख सकते हैं। पल्सेस 27 या 25 से 30 के बीच में ऐसे याद कर सकते हैं। जो ऑयल सीड है वो 40 की रेंज में है और कॉटन 35 की रेंज में, इस टाइप से आप याद इसको रख सकते हैं क्योंकि सभी की रेंज अलग अलग है जितने भी हमने डिस्कस किया। तो आप ये देख सकते हैं कंपेरेटिव है, लास्ट ईयर से सभी में ग्रोथ है, यहाँ पे पैडी प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ है, वीट प्रोडक्शन भी, सारे ही प्रोडक्शन इंक्रीज हुए हैं।
टारगेट कितना दिया गया था, टारगेट जितना टारगेट था लगभग हम उसी के अप्रोक्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। आप देखेंगे जो ओवरऑल फूड ग्रेन प्रोडक्शन का टारगेट था वो 328 था और अभी हम प्रोड्यूस कितना करें 330। राइस का प्रोडक्शन 130 था, हम 135 प्रोड्यूस कर रहे हैं। वीट का प्रोडक्शन 112 था, 112 भी प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो टारगेट के अकॉर्डिंग ही चला जा रहा है और ये टारगेट्स थे, कभी कभी पूछे जाते हैं, अदरवाइज टारगेट से ज्यादा प्रोडक्शन ही पूछा जाता है। सो इस टाइप से फूड ग्रेन प्रोडक्शन के टारगेट फिक्स होते हैं। जैसे अभी 2023 एंड 24 के लिए टारगेट फिक्स किए जा चुके है, जो कि सीजन शुरू हो ही गया है या फिर होने वाला है। सो दोस्तों ये था टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन के बारे में। एक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक नया क्वेश्चन तो आपको जरूर इससे मिलेगा आपके इस साल के नबार्ड के एग्जामिनेशन में, नबार्ड डेवलपमेंट के एग्जामिनेशन में, आईबीपीएस एएफओ के एग्जामिनेशन में, या फिर कोई सा भी एग्रीकल्चर रिलेटेड एग्जामिनेशन होगा। स्टेट वाइज रैंकिंग, कौन सा स्टेट किस कैटेगरी में लीडिंग है, ये वाला जब ओवरऑल एडवांस एस्टिमेट या फिर हम जो एग्रीकल्चर एट ए ग्लांस जो रिलीज होता है उसके बाद ही पता चलता है, और वो भी कुछ दिनों में रिलीज हो जाएगा, तो उसकी समरी भी हम आपके लिए लेकर आएंगे। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। किसी भी एग्जामिनेशन का प्रिपेयर कर रहे हैं, अप्रोच हमेशा वही रखनी है, प्रीवियस ईयर पेपर दीजिए, सिलेबस को देखिए और आगे पढ़ना शुरू कीजिए। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। कोई भी डाउट क्वेरी क्वेश्चन के लिए कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, ये टॉपिक आपको कैसा लगा, या फिर कोई भी फीडबैक सजेशन के लिए भी आप लिख सकते हैं। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ वेरी ग्रेट डे अहेड।